हेलो दोस्तों, तो सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्ट्रेस फ्री में। तो आज दोस्तों मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि आज मैं मिला मिस्टर हेमंत जी से, आपसे भी इनको मिलवाऊंगा, आपसे इनकी बात करवाऊंगा। जब मैं इनसे मिला तो मेरे को बड़ी खुशी मिली इनके बारे में जानकर, इनके परिवार के बारे में जानकर। इनका आयुर्वेद के प्रति ज्ञान इतने गहरे छिपे हुए बंदे निकले हैं, तो मैं बड़ा खुश हुआ। और फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट किया और आज मेरी रिक्वेस्ट इनके द्वारा एक्सेप्ट की गई और आज ये मेरे चैनल पे आपके सामने आए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हेमंत जी से मिलवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि वो किस कहां से बिलोंग करते हैं, किस परिवार से आप आए हो, कहां से उठ के आप आए और आयुर्वेद में आपका इंटरेस्ट कैसे जागा, तो मेरे दोस्तों प्लीज बताइए। सभी को नमस्कार, मैं हरियाणा से हूं और मैं देसी किसान का लड़का हूं और से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर जो है बहुत ही सज्जन, एक नेक इंसान है। वो शुरू से ही कभी भी होम्योपैथी के खिलाफ गए नहीं, कभी कहीं दवाई यूज नहीं किया। मैं भी, मेरे को भी 12 साल हो गए आज तक, बुखार खांसी जुकाम कुछ नहीं आता, दवाई के पास गए नहीं मैं। जब भी कुछ खांसी हुई, थोड़ी बहुत हुआ तो गर्म पानी पी लिया, तुलसी पत्ता ले लिए, बस। देखो दोस्तों, इन्होंने बीमार होने के बावजूद भी, अगर पहले बात तो बीमार हुए नहीं, अगर बीमार हुए तो उसके बावजूद भी इन्होंने जो आजकल हम अंग्रेजी मेडिसिन डिस्पिरिन आयोडीन सोडियम पता नहीं क्या क्या खा रहे थे उनसे दूर रहे, जिसके कारण इनकी बॉडी तंदुरुस्ती शरीर में हष्ट-पुष्ट थी वो आज तक कायम है। दोस्तों इन्होंने अल्टरनेट किया, जब इनको खांसी जुकाम हो तो इन्होंने गर्म पानी पिया, तुलसी का पत्ता डालकर पिया, कुछ ऐसी ऐसी चीजें और भी आपको ये बताएंगे। मेरे को आप ये बताइए, आपको आयुर्वेद का टच सबसे पहले कहां से मिला, आपके पिताजी ने आपको बताया, घर वालों ने कैसे? मेरे फादर है, उसने मेरे को दिया। अच्छा, बचपन से जब मेरे सर में उठाए, यहाँ पे बाल नहीं थे। ओके ओके, आयुर्वेदिक की वजह से मेरे यहाँ पे बाल भी आ गए। दोस्तों ध्यान से सुनना, वो आज तक बाल में सफेद नहीं हुआ। जी जी जी, देखो इन्होंने बताया कि ये तो प्रॉब्लम आजकल हर यंगस्टर्स को है, हर इंडस्ट्रीज के बाल उड़ते हैं कभी कहीं से कभी कहीं से, सफेद बाल तो एक नॉर्मल सी चीज हो गई है और उसका इन्होंने सॉल्यूशन किया है बिना अंग्रेजी दवाइयों के। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आपसे भी वो ट्रिक बताएं ताकि आप सभी लोगों का भी फायदा हो सके। जैसे व्हाइट बाल हेयर फॉलिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल यंगस्टर्स में है, तो ये आपको उसका अल्टरनेट बताएंगे। प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं जो चैनल को देख रहा है ना तो मैं किसी चैनल से पैसे खाया, ना किसी पैसे लेना आया, ना किसी में पैसे कमा रहा जी। मैं खाली ज्ञान दे रहा हूँ, फ्री का ज्ञान है, आप यूज करोगे 100% आपको लाभ मिलेगा, 100%। क्या करना है, सुबह सुबह उठ के तांबे का बर्तन होता है उसमें पानी पीना है, एक गिलास मिनिमम जी। सुबह उठ के तांबे के बर्तन होता है उसमें पानी रखो शाम को, और उसको सुबह जैसे पानी कोई पीता है ऐसे खड़े होके जी, कोई पीता है जो जरूरत नहीं है ना कोई किसी डॉक्टर के पास, किसी के पास नहीं। तो दोस्तों देखो, इन्होंने आपको ट्रिक बताई पानी पीने की, जो आपको अपने आम जीवन में यूज करनी चाहिए। हम चलते फिरते पानी पी लेते हैं, नल पे भी नजर ऐसे पानी पी लेते हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करो, बैठ के शांति से पानी पीना चाहिए, जिससे आप आयुर्वेद से टच में आ जाओगे। और एक बार आप आयुर्वेद के टच में आ गए तो आपको, आपके सामने एग्जांपल खड़ा हुआ है। इनका गांव में भी एक मेडिकल आयुर्वेदिक ये ज्ञान देते हैं, स्टोर चलाते हैं, फार्म हाउस भी किया हुआ है। स्टोर नहीं, फार्म हाउस। ओके, अब ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ओके, देखो देखो दोस्तों, मैंने ऑर्गेनिक खेती पे मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख लिए चैनल का, वहां पे एक वीडियो थी खेती करने से कैसे लाभ कमाओगे, ऑर्गेनिक खेती का मैंने वहां वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ, और ये भी आपको ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताएंगे। सौर ऊर्जा प्लांट लगा, और मैं आपसे अब क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो होगी दोस्तों, तो मैं इनसे फिर मिलूंगा, ऑर्गेनिक खेती के बारे में हम बात करेंगे, सौर ऊर्जा प्लांट के बारे में बात करेंगे। अभी कोई बताया नहीं आपको, आपको कुछ नहीं बताया आपको। मैं एक चीज और बताऊं, पूछना चाहूंगा, एक एक्सरसाइज बताएंगे आपको जो हर महिला पुरुष के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो हेमंत जी वो बताइए कि आपको बाणास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, ये आपको ना को पसीना आना किसी को ने कुछ होगा, खाली 10 मिनट सुबह फ्रेश होके नहा धोके खुली हवा में तुलसी पत्ता दो अपने मुंह में डाले ना, खाना नहीं है, उसके बाद खाली ये करना है, और 100 बार तो किसी को होगा नहीं, फर्स्ट में करना 20-20 से शुरू, 20-20 स्टेप। ओके, ये वाला 20, ये वाला जी, उसके बाद 20 इस हाथ से, ओके, फिर 20 इस हाथ से ऐसे स्ट्रेच करना पीछे। हाँ, शुरुआत में नाड़ी है जी, आप हाथ इस तरह पंप हो जाएंगे यहाँ से, बहुत ही बेहतरीन तरीका। मैं खाली 5 दिन से सीखा हूँ उसको, मैंने भी और गुरु से सीखा था। ओके ओके, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आपका बॉडी ऐसे पंप करेगी ना खून, ये ऐसे दौड़ेगा शरीर में पूरी,
तो इससे लाभ क्या होगा हेमंत जी? लाभ ये होगा आपका नाड़ियों जो काम करने बंद कर रखा है, नाड़ी है जी जी शरीर की, अब चुस्त पड़ी है, वो ऐसी स्टेशन में आ जाएंगी तुरंत ही आप हॉस्पिटल क्या करना है तुरंत ही आपका काम आपके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी का हो जाओगे दोस्तों। दूसरा कोई बहुत अच्छी चीज ये हो गया, एक ऐसा हो गया, दूसरा स्टेप दो आसन से करना है 20-20 बार मिनिमम, उसके बाद 30-20 आपकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो धीरे धीरे आप इसको 30-40-50 को ले जाओ। ये हाथ ऐसे करके ये जो करके यूं बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज नॉर्मल, ये हमारी बहन माता ये हर कोई कर सकता है, कर नहीं पाओगे वो तो कर मैं कर मेरे चैनल पे बंदे मोटिवेशनल साहब सभी ये चीज कर पाए मेरे को भरोसा है और ये हेमंत जी की बात ही मानेंगे और मैं हेमंत जी को दोबारा फिर चैनल पे लेके आऊंगा। एक बार ध्यान से देख लो एक बार ऐसे हेमंत जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा इस तरफ आके ऐसे करके बताइए हमारे दर्शकों को ताकि वो चीज देख पाए पोजीशन। इसको 20 से स्टार्ट करना है 20 बार ऐसे जी, फिर 20 बार ऐसे जी, है ना सेम इस हाथ से जी राइट लेफ्ट दोनों से, उसके बाद आता है ये वाला फिर अपोजिट, फिर आपको ऐसे करना है, उसके बाद आपको फिर आता स्टेप ये वाला ऐसे करके, फिर आपको ये मुट्ठी बंद करके ये वाला 5 स्टेप कर लेना आपको पूरी ये ऐसा हो जाएगा मजबूत कर दो। तो दोस्तों आपने देखा हेमंत जी ने आपको क्या कुछ बताया, हमारी माताएं हमारी बहनें हमारे जो भाई है हमारे जो बड़े दादा चाचा ताऊ है सभी के बारे में ये चीजें हेमंत जी ने आपको बताई और मैं गुजारिश करूंगा आप सभी से कि आप इन चीजों को अपने जीवन में फॉलो करोगे जब ताकि आपका शरीर हष्ट पुष्ट और बीमारियों से दूर रह सके। अब मैं हेमंत जी से गुजारिश करूंगा कि हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, तो आपको कैसा लगा हमारे चैनल पे आके हेमंत जी? बहुत ही अच्छा, आपको बड़ी ये रिस्पॉन्ड है जो आपको इतने लोगों से पूछ रहा है, आपको भी कुछ नहीं मिल रहा जी, जी, आप देश के लिए इतना अच्छा कर रहे हो जी, जो भी बंदा है आपके लिए जो आप सोचित है जो ऐसी सोच हर इंसान करेगा तो देश कहाँ से कहाँ पहुंचेगा हमारा, न इसको पैसा मिल रहा न इसको कुछ मिल रहा न कोई इसको पैसा दे रहा, खाली किस लिए आप लोगों के लिए जी, मोटिवेशन लो सर से इतना अच्छा चैनल, मैं भी इसके चैनल देख देख के इसके पास आया मैं सर, मैं भी जो मेरे को जा रहे हैं उसको मैं दूंगा लोगों तक पहुंचाऊंगा और आपका भी बना होगा। चलो आज के लिए इतना ही करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।